क्रांति न्यूज चैनल की टीम पहुंची है आज जींद के अर्बन स्टेट एरिया में। यहां कुछ लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग भी हैं, यहां एक पूर्व एक्स चेयरमैन भी हैं। क्या नाम बताया था जी आपने? बलबीर सिंह। बलबीर सिंह दुहन। जींद में जो उपचुनाव चल रहा है, एक महाभारत का रूप जिसने धारण कर लिया है, उसके बारे में यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं, जो ये जो जींद के अंदर उपचुनाव हो रहा है, इसको लेके क्या लगता है आपको? जैसे पांच पार्टियां खड़ी हैं, एक क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी यहां से जीत पाएगी और किस पार्टी के जीतने के आसार हैं? इसमें हमने तो यू देखे है कि वे गांव में तो दुष्यंत का रणदीप का मुकाबला है और शहर में बीजेपी और रणदीप का मुकाबला है। अच्छा, आप कहाँ से जी? कैथल से। तो कैथल से आप यहाँ किस पर्पज के, किस उद्देश्य से आए? रिश्तेदारी में आए हैं या वैसे? कैथल शहर जो रणदीप सिंह ने चमकाए रखा है नी, हाँ जी। मैं ऐसा सोचता हूँ ये सड़कें टूटी फूटी बड़ी, मैं रणदीप अगर यहाँ से एमएलए बन जाता है, इसको भी उसी तरह से चमका देगा। अच्छा जी। हाँ, उस एक कैथल की शान है रणदीप, फिर जींद की भी शान बने। जींद के उपचुनाव में रणदीप सुरजेवाला की जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? हमने तो इसके विकास पुरुष होने पर समझ ले, हम तो आश्वस्त हैं कि जींद की जनता इनको जिताएगी। अच्छा जी। हाँ, आपको क्या लगता है जीत पाएंगे यहाँ से? जरूर जीतेंगे। अच्छा जी। हाँ, और ये जो एक राजकुमार सैनी की पार्टी है, लोकतंत्र सुरक्षा मंच, जिसका विनोद आश्री है, और इधर से नैलो से अपना उमेश सिंह रेड्डू है, और जेजेपी से खुद दिग्विजय चौटाला है, और कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला, बीजेपी से डॉक्टर हरिचंद मिड्डा है, तो इन पांचों में कहां मुकाबला देखते हैं? मुकाबला तो बीजेपी का और रणदीप का ही रहेगा। अच्छा जी। हाँ, अब बात करेंगे हम जो पूर्व चेयरमैन है, तब जी आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीत पाएगी यहां से? बैठते ही तो मुकाबला है, दम खुलकर जाने है, पर बाकी शहर के हालात तो देखे, इतना भूडा गदर आ रहा है, कोई भी मतलब काम नहीं करे आज से, तो इसलिए रणदीप का मतलब समर्थन कर रहे थे। तो आपको भी लगता है रणदीप जीत जाएंगे यहाँ से? तो जींद के विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? भाई विकास के लिए उन्हें रणदीप आ जाए, इसका विकास करवा सके, बाकी और के बस की बात नहीं। अच्छा। हाँ, यू करवा सके यहाँ से। एक ताऊ जी और बैठे हमारे साथ, उनसे बात करेंगे हम। ताऊ जी क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी जीतेगी इस बार यहाँ से? रणजीत जीता, रणजीत कांग्रेस। अच्छा जी। हाँ, और जींद का विकास करेगी। क्या कारण लगता है जो कांग्रेस को आपके जीतने कितने आसार लग रहे हैं आपको? इसके बहुत बहुत से कारण, जो यू रामकुमार से राजकुमार सैनी था रहना, तो इस तरह मतलब उसकी ज्यादा वोट कट रही है, तो इस तरह मतलब ये रणदीप के हालात बढ़िया बनते जा रहे हैं। अच्छा, राजकुमार जी पर प्रत्याशी उतारा है उसकी वजह से? हाँ, उसकी मतलब जो वोट है ना, उन्हें बीजेपी की वोट काटी, तो इस टाइम मतलब रणदीप के हालात बढ़िया बन। कांग्रेस पार्टी को एक सीटिंग एमएलए को उतारना पड़ा यहाँ, जबकि यहाँ बहुत दिग्गज कांग्रेसी हैं, बड़े बड़े नेता बैठे कांग्रेस के अंदर, जिनमें से कई पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में, तो ऐसी क्या नौबत आ गई थी कांग्रेस को कि जो एक सीटिंग विधायक है कैथल से, उसको जींद के लिए उतारा गया? तो कैथल तो नहीं उतारा ना भाई, वो काम कर सका है, लोग विश्वास से बढ़ेगा, सुधार करेगा शहर का, और लोगों की यह भी मानना है कि अगर यहाँ से रणदीप सुरजेवाला जीतता है तो वो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। हाँ, दौड़ में शामिल हो सी, दौड़ में शामिल होगा। और अगर रणदीप सुरजेवाला यहाँ से हार जाते हैं तो फिर? तो हार गए तो फिर उसके हालात जो भी बन गए, हारने के बाद तो और हालात बनेंगे फिर। अच्छा। और जो ये एक राजनीति को लेके चौटाला परिवार में जो फूट है, जो जग जाहिर हो चुकी है, एक दूसरे पे गंभीर से गंभीर आरोप लगाए रहे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई इसमें तो नहीं, अपनी बड़ी थाली का ठोकर मार दी है, ठीक रहे हैं ना, कट्ठे थे इनका राज आना था, बाकी भी इनका कोई वो नहीं। तो इनेलो और जजपा को कहाँ देखते हैं आगे भविष्य में आप? इनेलो में से और जजपा में से किसका भविष्य उज्जवल है, कौन सी पार्टी आगे भविष्य में मतलब ज्यादा तरक्की या इम्प्रूव कर पाएगी? तो भविष्य में तो ये दुष्यंत आगे आ रहे हैं जी, दुष्यंत। हाँ, इनका ज्यादा असर। अच्छा जी। हाँ, और जो इनेलो के हिसाब है, ओम प्रकाश चौटाला के इनेलो है, जो उनका असर कम से आ रहा है जी। हाँ, कम से। इसी बारे में आप एक और यहाँ बुजुर्ग बैठे उनसे बात करेंगे हम। भाऊ जी आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है जींद जो उपचुनाव हो रहा है उसे लेकर क्या लगता है कौन सी पार्टी जीत पाएगी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? रणदीप सुरजेवाला सबसे पढ़े लिखे जुड़ाव नेता हैं,
ओडा साहब ने 10 साल जींद में यूनिवर्सिटी बनवाई, चौधरी रणबीर सिंह नाम से बाईपास बनवाया, पार्क बनवाए, काफ़ी यहाँ विकास काम करे। उन 10 सालों के काम को देखते हुए कांग्रेस ने ये यहाँ रणदीप सुरजेवाला को उतारा है। ये जीत 101% पक्की है, 10,000 वोटों से जीतेंगे और विकास काम जो अधूरे पड़े हैं बीजेपी ने 5-4 साल में कुछ भी नहीं करा उसको पूरा कराना काम करेंगे। चौटाला परिवार में जो राजनीति जंग छिड़ी हुई है, पूरा परिवार तिनके तिने का भी खरीद चुका है, चौटाला परिवार की फूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे और भविष्य में कहाँ देखते हैं आप इनको? भविष्य में जो पोता का दादा का इतना प्यार होता है वो अपने दादा नहीं होते, वो देश का क्या हो सकते हैं? कोई विकास का नहीं थी, लोग आया लड़ाई झगड़े कारण खतरा है कि इतनी दूर से या कैंडिडेट भी होते। रणदीप सुरजेवाला तो जींद जिला का रहने वाला अच्छा होनहार बेटा है, सभी को लायक है, पढ़े लिखा इंसान है। ये तो अपने यहाँ वैसे आ रहे हैं, पैसे लेके लूट जाएंगे, माड़ा ताड़ा के बाद जाएंगे। अच्छा, पैसे लेके चले जाएंगे यहाँ से, पैसे कौन लोग देंगे इनको? माड़ा के देते हैं लोग, थोड़े नए नए दो नए हल्का गल 15-15, 20-20 आ रहे हैं गाड़ी लेके, टिकट टिकटार्थी जो आगे के भविष्य के हैं। भैया आपने देखा कुछ कैटल के भी बुजुर्ग मौजूद हैं और कुछ लोकल जींद से भी हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो रणदीप सुरजेवाला की जीत का दावा कर रहे हैं और इन्हें लोग परिवार के बारे में जब इनसे बात की तो इन्होंने यही कहा कि इन्होंने भरी थाली को ठोकर मार दी। और अगर ये इकट्ठे रहते तो क्या स्थिति होती इस इलेक्शन की? बाबू कुछ लाइन बात है, तीसरा नंबर पर कोई गिनती नहीं कही। तो अब इनको कौन से नंबर मानते हो आप भाई? तो जीरो दे लो, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं। चलो यहाँ एक और बैठे हैं कैथल से, वो भी उनसे बात करेंगे। भाई साहब रणदीप सुरजेवाला कैथल छोड़ के जींद आ गए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आपके कैथल को कौन संभालेगा? रणदीप सुरजेवाला के मन में जींद के प्रति टीस है। नहीं वो तो है, लेकिन जब वो यहाँ से विधायक बन जाएंगे, जो कैथल की जनता है और कैथल में जो विकास हुआ उन कामों को, जो अधूरे काम पड़े हैं अभी कैथल में, उनको कौन करेगा फिर? जिसको रणदीप जी मौका देंगे वही करेंगे। अच्छा। रणदीप जी किसी को मौका देंगे वही करेंगे। रणदीप जी तो जींद से लड़ने आए हैं और जींद का विकास करवाएंगे, और ये जींद का दुर्भाग्य होगा अगर रणदीप जी चुनाव हार जाते हैं तो इस जींद जिले का। तो आपको लगता है कि यहाँ रणदीप सुरजेवाला चुनाव हार सकते हैं? नहीं हार सकते। आप कह तो रहे हो? नहीं जीतेंगे। अच्छा। हारने वाली कोई बात नहीं है, और तो हमने गांव में भी देखा है, शहर में भी देखा है। गांव में कहते हैं जेजेपी और रणदीप, शहर में कहते हैं बीजेपी और रणदीप, तो मुकाबले में दोनों जगह है ना, तो इसलिए रणदीप जी हम जीत निश्चित मान के चल रहे हैं। यहाँ आपने देखा संसार क्रांति न्यूज चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों लगातार दिखाते रहेंगे इस उपचुनाव जो जींद का हो रहा है, जो महाभारत का रूप ले चुका है, इसके पूरा जो आगे भी जो हालात होंगे। अभी 2 दिन बचे हैं पोलिंग होने में, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे संसार क्रांति न्यूज चैनल से। मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ अरबन शेठ जींद से।